ये देखिए, मनोज दे ने हमें क्या दिया है आप देख सकते हैं क्या है ये। मनोज दे सर, ये आपने हमें क्या दिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ दी है आपने हमें, और हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे? यस, हम इसका यूज़ करेंगे पतंग में, इस पतंग में हम इसका यूज़ करेंगे, और ये पतंग दिन में नहीं उड़ाई जाएगी, पतंग रात में उड़ाई जाएगी। और ये वीडियो आप आखिर तक देखें, एंड तक देखें कि इसमें रात में क्या व्यू आता है और किस तरह के लोग इसे देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और आप भी देखिए और पसंद कीजिए और बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपने क्या देखा और क्या आपको लगा। जी हाँ, देखिए दिवाली है, दिवाली चल रही है, दिवाली आने वाली है बिल्कुल। तो ये हम आज का वीडियो जो बना रहे हैं ये मनोज दे के लिए बना रहे हैं, और ये मनोज दे ने हमें ये दिया है। ये एंड में पता चलेगा आपको कि मनोज दे ने हमें ये क्यों दिया और कहाँ से दिया, कैसे दिया है। चलिए बात करते हैं, और पहले बात करने से पहले देख लेते हैं हम इसकी कन्नी बांध के, और इसको रात में उड़ाएंगे, दिन में नहीं उड़ाएंगे, रात में थोड़ी हवा चाहिए हमें, और इसको हम किस तरह से फिट करेंगे क्या करेंगे चलिए वो भी देखते हैं, और मिलते हैं आपको रात में। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा चमक रहा है। जी हाँ, ये जो पीस है ये बना है बाइसाइकिल के लिए, इस साइकिल के टायर में लगता है, रात में जब बच्चे चलाते हैं तो ये रोटेट होता है तो लाइट अच्छी लगती है। जी हाँ, आप इसी को यूज़ करने वाले हैं अपने पतंग के लिए। देखिए सिंपल है, ये इतना हमने तार का पीस लिया है, इसको स्विच बनाने के लिए सिर्फ इसको ऐसा बंद करना है आपस में। देखिए इसको आपस में टच कर देंगे तो स्विच का काम करेगा। देखिए जल उठिए, देखिए इस तरह से हमें सेलो टेप लेना है, और ये जो एलिमेंट है इसको हमें बांध लेना है इस तरह से कि जब पतंग में ये बैठा रहे और हम चुटकी मारे किसी भी चुटकी की तरह ये सेल बाहर ना आ जाए। ये हमारा यहाँ तक हो गया, फिर इसको हमें यहाँ लगाना है इस तरह से। चलिए जी हाँ, देखिए आप देख सकते हैं आसमान में जाने के बाद किस तरह से दिखेगी। जी हाँ, हमें थोड़ा सा डाउट है कि आसमान में उड़ने से पहले ये गोल गोल घूमेगी, तो हमें यहाँ पे टेल एक बांधनी पड़ेगी, यहाँ हमें टेल लगानी है। चलिए वो टेल का भी इंतजाम करते हैं। जी हाँ मनोज सर, देखिए हम जो कहना चाहते हैं, कहानी ये है कि ये तुम हो, ये मनोज सर है, और ये जो सारे है हम सब, ये हम तुम्हारे सब्सक्राइबर है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप ऊपर आसमान पे लाइटिंग में हो, हम नीचे हैं, सब्सक्राइब आपको करते हैं तो आप पे ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं पतंग कैसी उड़ती है और फिर बात करते हैं आगे। देखिए इसमें कुछ बदलाव किया है हमने, पतंग में जो हमारे दो यहाँ नीचे थे उसको जगह एक कर दिया है, और दो साइडों में है हमारे, और चलिए देखते हैं पतंग कैसी उड़ती है। देखिए पतंग कैसी उड़ रही है, वाह देख सकते हैं आप। देखिए चांद मामा दिख रहे हैं, कितना चमक रहे हैं आप देख सकते हैं, उसके साथ में हमारी पतंग भी है, पतंग बहुत आगे चली गई, दिख नहीं रही है। चलिए अभी हमने एक ये बांधा है डोरी में, चलिए डोरी को जाने दीजिए ऊपर। चलिए देखिए, वाह रुक जाइए, एक और बांधना है हमें। जी हाँ, पतंग देखिए कितनी बार हमने उसको चेंजेस करने के बाद अब ऊपर गई है, तो ऐसी ही लाइफ का है, लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है तभी लाइफ आगे चलती है। चलिए एक और बांधते हैं हम पीस, और फिर और पतंग आगे लेके जाते हैं। ये देखिए ये दूसरी लेट बन चुकी है, ये आगे चल रही है, चलिए ढील दीजिए। ये देखिए एक आगे गई वापस, चलिए एक और बांधते हैं। आपको शायद नजर आ रहा है कि नहीं, हमें बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसके साथ। चलिए एक और बांधते हैं, पकड़ के रखिए। देखिए ये हमारी तीसरी लाइट, और तीन ऊपर, थोड़ा ढील दीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं हम किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी ऐसी कुछ करिए नया कुछ अनोखा, आपके सोसाइटी और आपके आजू बाजू पड़ोस वाले भी देखें और हैरत करें कि आप किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। चलिए आप देख लेते हैं हम हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको किस तरह से उड़ाया जाएगा, किस तरह से पतंग उड़ाई जाएंगी। हाँ भाई, कैसा लग रहा तुम्हें पतंग उड़ाते हुए? अच्छा, अच्छा लग रहा। ये तो रात का टाइम है, दिन का नहीं है, तो कैसा लग रहा? और बढ़िया लग रहा कि नहीं? दिन से डबल अच्छा लग रहा कि नहीं? हवा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, वाह। तो अभी तुम कितनी देर उड़ाओगे और कितनी देर से उड़ा रहे हो? बहुत देर से। और पतंग में वजन कितना है, वजन बताओ? हाँ बहुत है, थोड़ा सा खींच के बताओ कैसे खींचोगे। देखिए आप देखिए ये डोरी से, देखिए देखिए ये देखिए
कितना इसमें कितना टेंशन है। ये देखिए ऊपर, ये देखिए हमारी पतंग कहाँ एकदम आसमान पे, पतंग भी नहीं दिख रही हमने, हमारी इतनी दूर चली जा चुकी है पतंग। बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है पतंग, वाह बहुत बेहतरीन। ये देखिए हाँ भाई थोड़ा कुछ यार कुछ सूखा सूखा उड़ा रहे हो पतंग तो। यस 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 बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताओ कैसे लग रहा है पतंग उड़ाते में? सही। रात का टाइम है ये तो? हाँ। तो दिन से अच्छा लग रहा है या रात में अच्छा लग रहा है? रात में अच्छा लग रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि दिवाली चल रही है ऐसी? हाँ। क्या? हाँ दिवाली चल रही है, जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं। हाँ। तो तुमने कितने पटाखे फोड़े? मैंने? हाँ तीन फोड़े। अब नहीं फोड़ना पतंग उड़ाना रात में, सही है? चलो इनकी पतंग देखते हैं कहाँ तक उड़ रही है। देखिए आपको रात में कुछ ऐसे पैंच लड़ा के नहीं दिखा सकते और कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ आपको लाइटिंग दिखा सकते। आप एंजॉय कीजिए इसमें ही। देखिए हमारे बच्चे और क्या कर रहे हैं। हाँ भाई बच्चों क्या बोलते हो? हाँ जरा कुछ स्टाइल स्टाइल मारो कुछ, देखने तो पब्लिक अच्छा देख रही है तो तुम्हें। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी चरखी वहाँ छुट रही है, ज्यादा ऊपर पकड़ो जितने रहे। किसका नंबर है? तीसरा नंबर वाले यहाँ जाओ, थोड़ा यहाँ को आओ भाई, तीसरे नंबर वाले आ गया। हाँ इनके बाल देखो घुंघरालू बाल, आसमान तक। हाँ भाई तुम्हारी नजर जा रही है आसमान तक? हाँ। कहाँ है आसमान? गोरा कहाँ? देखो हम भी देखे भाई। हाँ ओहो इन्होंने ढील देके जरा पतंग आगे ले लिए है। देखिए पतंग कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लंबी कर भाई लंबी, मत करिए भाई लंबी, बहुत लंबी हो चुकी है। देखिए पतंग में इतना लोड है, बहुत ज्यादा लोड है। ओहो क्या भाई पतंग मत बिठा दिए, रुको। देखो इस तरह से पतंग आती है ऊपर, वाज इसके साथ कुछ छेड़खानी मत करो नहीं तो काट लेगी ऊपर से ही। पतंग ऐसी है ये काट ले ऊपर से। अबे भैया पतंग काट लेगी, मना कर रही हूँ मत कर ज्यादा। सिर्फ थोड़ा सा कुछ और कुछ कहेगा पब्लिक से? हाँ। क्या कहेगा कि किस तरह से उड़ाओ? तेरे 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 हिसाब से जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनसे क्या कहोगे? हाँ क्या बच्चे तुम भी उड़ाओ और माँ बाप को तंग मत करो। हाँ। सही है। हाँ, ये बात हुई ना यार, वो मैं कह दिया था यार। हाँ भाई कैसे लग रहा है पतंग उड़ाते में? बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में अच्छा लगे क्या? रात में? रात में? रात में बढ़िया लग रहा है। ठंड ओ अच्छा, मतलब दिन में हमेशा उड़ाते हो, रात में पहली बार उड़ा रहे हो इसलिए मजा आ रहा है, सही है ना? हाँ तो दिवाली में कितने पटाखे फोड़ते हो? क्या कौन से हिसाब के फोड़ते हो? छोटे छोटे फोड़ते हो, बड़े नहीं? बड़े फोड़ना गलत बात है ना, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। पटाखों से बच्चे जितने भी हो सके उतना दूर रहो, उससे अच्छा कुछ अलग अलग करो एक्टिविटी मम्मी डैडी से पूछ के, वो आपको परफेक्ट बताएंगे कि मम्मी डैडी क्या हिसाब से एक्टिविटी देंगे, आप घर में रहें। लेकिन ये पतंग उड़ाते में क्या रखता है, पटाखे से अच्छा पतंग उड़ाना है? Yes. है ना? वाह बहुत बढ़िया भाई, चलिए देखते हैं पतंग कहाँ तक दिख रही है हमारी। देखिए लगभग लगभग आधे से एक घंटा हो चुका है पतंग हमारी ऊपर है। देखिए चलो भाई आपका हो गया नंबर फोर, अभी नंबर फाइव, पांच नंबर कौन है? हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं कैमरे पे। हाँ भाई चलो फोकस बंद करते हैं तो चेहरा नहीं दिख रहा है, फोकस चालू रखनी पड़ेगी। नहीं चल। हाँ ये भाई ये तुम्हारे हाथ हाथ तक तो ये आ चुकी है लड़ी, देखिए हमने जो फिट की थी वो एक बार हम कैमरे में दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने इस तरह से इसको होल किया था, होल करने के बाद हमने इसको
यहाँ धागे से बांध के इसको धागे में बांध दिए, मेन डोर में हमने बांध दिए, तो जैसे ही जाएगी तो वैसे ऊपर जाएगी ये डोरी। हाँ भाई ये देखिए, यस आप देख सकते हैं डोरी कहाँ है, पतंग पता नहीं बहुत आगे है, कैमरा रीड नहीं कर पा रहा, बहुत ऊपर पतंग है, नजरों से दिख रही है, लेकिन देखिए चांद कितना बस निकला हुआ, चांदनी रात, अगर हवा हवा हमारी ये साइड में होती तो हमें पतंग भी दिखती जरूर। जी हाँ, पतंग उड़ाते में कितनी देर हो गई तुम्हें? बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई, मजा आ रहा है? हाँ, चलो भाई अभी नंबर 6 को देते हैं। नंबर 6 चलिए डोरी हाथ में लीजिए। नंबर 6, नंबर 1 नहीं आना है, नंबर 6 आना है, नंबर 6, यस नंबर 6। तो मुझे लगता है ज्यादा ही मजा ले रहे हैं, पता है ये देखो, अगर ये दिन होता तो ये पतंग खींचते और पेंच, ये तो मुझे लगता है पेंच भी खींच लेते। हाँ भाई पेंच खींचते हो तुम? जी। कितने पतंग काटी अब तक एक पेंच में? एक पेंच में 2-3 काटी। चलो भाई इनके स्टाइल देखते हैं, ये तो नया वाला है। हाँ भाई तो हमारी बात आधे में रह गई थी, तो एक बार में तुमने 2 पेंच काटे हैं, 3 पतंगे काटी हैं एक साथ में? दो काटी हैं, यानी 2 रिकॉर्ड है तुम्हारा, और बढ़िया पतंग उड़ा लेते हो। चलो फिर इसको है ना कभी हम दिन में लेंगे इसको, अपने मॉडल को, छोटे मॉडल को, और देखेंगे कि पतंग कैसे उड़ाते हैं, कैसे क्या, इतने कितना तथ्य है और कितना नहीं ऊपर मत उड़ाओ ज्यादा, इतने पे रखो। जी हाँ चलिए, अभी ये नंबर 6 का टाइम फिनिश होने आ गया है, इनको काफी देर हो गई उड़ाते हुए। नंबर 7 कौन है? नंबर 7 आ जाइए। चलिए हैंड ओवर कर दो इन्हें। हाँ बिल्कुल, चलिए बार नंबर सात के जरा यहाँ भाई, यहाँ जरा यहाँ को, और देखिए भाई देखिए नंबर 7 के बाल देखो कितने बढ़िया बाल है इनके। आए है तो तुमने एक बार में कितनी पतंगे काटी हैं? लूटी थी? अच्छा लूटने के बाद तुमने पतंग उड़ाई और उससे काट दी, बहुत बढ़िया भाई क्या बात है। देखिए पतंग ये कहते हैं फ्री के पेंच लड़ाना, यानी पहले पतंग लूटो फिर पतंग काटो, बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए ये अभी एक दफा पतंग और दिखाते हैं आपको, देखिए कहाँ पे है, ये देखिए कितनी दूर पतंग है, वाह बहुत बढ़िया भाई। बहुत एंजॉय भाई। आप नंबर 7 को भी काफी टाइम हो गया पतंग उड़ाते हुए। नंबर 8 कौन है भाई? नंबर 8, चलिए देखिए नंबर 8 आए हैं। नंबर 8 थोड़े से उससे बड़े लग रहे हैं। हाँ भाई ये नंबर 8 पे बैटिंग करने आए, बैटिंग तो नहीं बोलेंगे, पतंग क्या लग रहा है? रात में कहीं पतंग उड़ाई क्या तुमने, पहले वो बताओ? उड़ाई है तो किस तरह से उड़ाई है, यानी नॉर्मल लाइट लगा के? ये देखो ये दिवाली का मौका है, दिवाली स्पेशल शूट हो रहा है, ऐसे उड़ाई थी, खाली लाइट नहीं लगाई, लाइट नहीं लगाई थी और ऐसी लगाई थी। तो हमने देखो इसमें क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने लाइट लगाई है, ये इनको इसलिए बता रहा हूँ, ये अभी आए हैं, यहाँ लाइट है, ऊपर लाइट है, और देखिए पतंग के ऊपर भी 3 लाइटें हैं, बहुत कम चमक रही हैं। हाँ भाई बच्चों बातों मत करो, थोड़ा सा इनसे बात करने दो हमें। हाँ जी तो फिर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वाह। इसमें अभी देखो हमने क्या किया है, पतंग को ज्यादा आगे करके है ना मुक कर दिया, इसको सीधी खड़ी है अभी पतंग, हिल जोड़ नहीं तो पतंग का वेट कितना, वजन कितना पतंग में? काफी है ना, भारी वजन है। चलो बढ़िया भाई, चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 से। चलिए नंबर 9 आ जाइए। यस ये आए नंबर 9 पे। तो कितने पेंच लड़ाए हैं तुमने? 2 लड़ाए हैं, यानी एक पतंग से 2 की काट चुके हो तुम, है ना, यानी तुम भी पतंग उड़ाते हो। यस देखिए आप बच्चे देख सकते हैं छोटे छोटे से, लेकिन पतंग उड़ाने में चैंपियन है सारे के सारे। हाँ भले से देखिए ये सबसे छोटा है, ये तो अपने खेलने के मूड में ही है, पतंग नहीं उड़ा पाएगा ना हैंडल कर पाएगा। देखिए इनकी पतंग कुछ नीचे जा रही है, एक काम करिए हाँ अंदाजे से इसको टॉप पे बनाए रखो। तो देखिए नंबर 9 थे और बहुत मजा आ रहा है हमें पतंग उड़ाते हुए भी। चलिए अभी आई थिंक सो नंबर 10 कोई नहीं है, मैं ही बचा हूँ, मैं ही थोड़ी सी एंजॉय करता हूँ पतंग उड़ाता हूँ, और फिर हम पतंग उड़ाते हैं और फिर ये वीडियो का एंड करते हैं। चलिए पहले है ना मैं उड़ा के देखता हूँ कैसा क्या फील आ रहा है अभी। देखिए
किस तरह से आपको दिखेगा पतंग, देखिए। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा उतारते हैं और देखते हैं, चरखी करने में लगाते हैं। देखिए पतंग है ना, इतना लोड है, बहुत बहुत लोड है। अगर हम ऐसे करेंगे तो स्प्रिंग का काम हो रहा है, जैसे स्प्रिंग कैसे भागता है उस तरह से ये है। चलिए पतंग उतारते हैं और देखते हैं। एक लाइट हमारी ये आ गई है, इसको कवर नहीं था, नहीं कैमरामैन वहीं रहिए। देखिए ये हमारी तीसरी लाइट, आप देख सकते हैं इसको सिर्फ टर्न रिबन। चलिए आप देखिए पतंग उतारते हैं एंड। चलिए भाई स्पीड, देखिए चरखी करने में भी हमारे मास्टर बहुत स्पीड। ओह वाह कट हो गई थी। चलिए चलिए चलिए, देखिए कभी भी आप जब पतंग उतारो तो एक एक ही जगह पे मत उतारो, थोड़ी साइड पे साइड बाय भी उतारो। देखिए आवाज सुन सकते हो आप, तुझे पकड़ लेना है आके, पकड़ के लेना दादा। देखिए ये है पतंग, आप देख सकते हैं इसकी लाइट जो है थोड़ी स्लो हो चुकी है। देखिए आप देखिए, कैमरा मैन जरा ये बंद करो लाइट, कैमरे की लाइट चालू करो, कर दिया। हाँ देखिए ये पतंग इतनी देर ऊपर रही कि इसको इतनी ठंडी हवा लगी कि लाइट इसकी कम हो गई। मजाक कर रहा हूँ लेकिन इसकी लाइट कम हो गई, इसका पावर कम हो गया है। आप देख सकते हैं पतंग हमने किस तरह बनाई थी। चलिए अब बात करते हैं आगे कि हमें मनोज सर ने दिया क्या। देखिए मनोज सर ने जो हमें दिया है वो दिया है, एक अपना नाम वीडियो का यूज करने की अथॉराइज दी है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि अगर कभी आपको मेरा नाम यूज करना पड़े तो आप अपने वीडियो में कर लेना। तो आज हमने वही किया है, मनोज सर का नाम यूज किया है हमारी वीडियो में। तो मनोज सर आपने देखा कि ये पतंग जब उड़ रही थी तो आप वहां थे, ऊपर थे, और हम जो है हम एक्चुअली जो है बच्चे जो सारे हैं और हम जो है हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आप देख सकते हैं हम आपको कितना प्यार करते हैं। तो मनोज सर को बोलो, क्या बोलोगे, हैप्पी। मनोज सर आपने इनका सबका प्यार देखा, तो अभी बात यहाँ आती है कि आपको जब इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग आपको चाहते हैं, तो आपने देखा होगा फिल्म हिस्ट्री में भी लोग जो है कितना बुलंदी पे जा गए, ऊपर गए, टॉप पे गए और वहां से वो राजनीति में गए। जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, क्यों नहीं आप राजनीति में आप अपने आप को आजमाते हैं कि किस तरह आपको वोट मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो जितने भी आपको चाहते हैं वो आपके एरिया में भी बहुत सारे हैं और आपने खुद ने कहा कि यहाँ एरिया में मुझे बहुत लोग पहचानते हैं। तो हमारी एक सलाह है, सलाह नहीं कि रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पॉलिटिक्स में भी ट्राई कीजिए। बड़े से बड़ा स्टार, टीवी स्टार हो या फिल्म स्टार हो, वो भी आज राजनीति में है। आप देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े स्टार राजनीति में है। तो आप भी एक ट्राई कीजिए, क्योंकि आप नंबर वन के आदमी हो। आप समझ रहे होंगे नंबर वन मतलब क्या, तो आपका स्टार काफी अच्छा ऊपर ग्रोथ है, तो आप वो पॉलिटिक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए विवर आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। तो हम आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट्स करो, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए डांस में इतना हैप्पी, दिवाली में इतना मगन बच्चे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट और जय हिंद।